हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो बच्चों? चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास एट पॉलिटिक्स का चैप्टर एट। और बच्चों, यह एक नया चैप्टर है। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था मार्जिनलाइजेशन, यहाँ पे भी आप पढ़ने जा रहे हैं मार्जिनलाइजेशन, लेकिन थोड़ा उसमें इसमें डिफरेंस है। यहाँ मार्जिनलाइजेशन में आपका चैप्टर का नाम क्या है? कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। कन्फ्रंटिंग, उसमें क्या था मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या था? कौन मार्जिनलाइज्ड हो रहा है? हु वाज मार्जिनलाइज्ड? अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या था? कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन में बच्चों आपने क्या देखा था? आपने उसमें देखा था कि बहुत सारे लोग होते हैं जिसको मार्जिनलाइज्ड किया जाता है, समाज से मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, सारे फायदे से किनारे कर दिया जाता है, मेन जो स्ट्रीम है उसमें नहीं रखे जाते, प्रमुख धारा से अलग हो जाते हैं समाज के कुछ लोग ऐसे, जिसके कुछ रीजन होता है, जिस कारण होता है, जिस कारण से ऐसा उन लोगों के साथ हो जाता है। यह आप लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पे आप क्या देखने जा रहे हैं? यहाँ पे है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंटिंग मतलब यह हुआ कि मार्जिनलाइज्ड जो लोग किसी न किसी कारण से मार्जिनलाइज्ड किए गए, मीन्स उनको कहीं न कहीं समाज से अलग किया गया, पूरे कानून का, ला का, समाज का, देश का फायदा उनको नहीं मिला, या कहीं से वो शोषित हुए, तो ऐसे स्थिति में व्हाट दे विल डू, उनके लिए क्या व्यवस्था है? सरकार के पास, उनके पास, समाज के पास, एंड फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। इसको बच्चों हम लोग इस विषय में देखेंगे, कि किस तरह से जो मार्जिनलाइज लोग हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या रूल और रेगुलेशन बनाती है। तो बच्चों, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस लेसन में कुछ पॉइंट की चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है व्हाट इज कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, मींस मार्जिनलाइजेशन कन्फ्रंटिंग क्या है। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट आप पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित यहाँ पे देखें इन्वोकिंग मतलब क्या हुआ। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे लाभ द मार्जिनलाइज, ये मार्जिनलाइज लोग जो हैं उनसे संबंधित कानून क्या है सरकार के पास, हमारे आपके पास। लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, समाज में हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय कैसे मिले, ये मार्जिनलाइज लोग को कैसे मिले। सो मेनी थिंग्स वी विल डिस्कस स्टूडेंट्स अंडर दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। अभी हमने आपको जस्ट बताया कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन वह होता है जो मार्जिनलाइज लोग हैं। थोड़ा फिर से आपको रिमाइंड करना चाहेंगे, मार्जिनलाइज लोग कौन है? वो लोग हैं जिसे आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे, ट्रिबल्स पीपल, आदिवासी लोग जो थे, जो कि जंगलों में रहते थे, उनके जंगलों को छीन लिया गया, याद आ रहा है बच्चों? वहाँ पे लोगों ने सारे उनके बहुमूल्य मेटल्स, कीमती लकड़ियाँ सब एक कब्जा कर लिया ब्रिटिश लोगों ने, उस समय की चर्चा जब हुई थी हिस्टोरिकल पीरियड, और उनको एजुकेशन से बाहर रखा गया, बहुत सारे जानकारियों से बाहर रहे, उनका शोषण किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, जबरदस्ती उनसे छीन लिया गया, या फिर उनसे साइन दस्तखत करा के उनकी जमीन जंगल लिखवा लिया गया, मीन्स उनको कई तरह से अवहेलना सहनी पड़ी, लोगों का अपमान सहना पड़ा अपना लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति थी अनजागरूक थे, अनएजुकेटेड थे, संख्या कम थी, अलग अलग टुकड़े में बटे थे, कोई झारखंड, कोई उड़ीसा, कोई महाराष्ट्र, अलग अलग जंगलों में, उनके साथ साथ कुछ और कम्युनिटी और कास्ट भी है, वह भी मार्जिनलाइज हुई है, इसे उसको भी आप पिछले लेसन में पढ़े थे, तो उससे जोड़ के हम इसको देखेंगे तो ज़्यादा हमारे आपको समझ में बात आएगी। उन लोगों को किस तरह से मार्जिनलाइज से हुए लोगों को कैसे उनके अपने अपमान का, जो उनका अपना छीन लिया गया है, जो उनके साथ शोषण हुआ है, किस तरह से
उसको उसका बदला या हर्जाना या छठ पूर्ति मिले। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइज, कैसे उनको उसके बदले में क्या मिले, क्या सचमुच अब भी वो मार्जिनलाइज रहेंगे, बहुत सारे कानून बनने के बाद भी स्थिति क्या ऐसी रहेगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज पॉइंट ऑफ दिस कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइज। अब आप हम देखेंगे इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट आप पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू स्पीच, लाइक दैट सो मेनी थिंग्स। ये अधिकार दिया गया है ना सारे भारतीय लोगों को। जब सारे भारतीय लोगों को ये अधिकार दिया गया है, ये जो मार्जिनलाइज लोग हैं क्या यह भारतीय और इंडियन नहीं है? हैं, चलिए अगर है तो इनके लिए उस अधिकार को कैसे इनको मुहैया कराया जाए? क्या सचमुच इनको भी वह पूरा फंडामेंटल राइट इनको मिलता है? और अगर नहीं मिलता है तो कैसे इनको मिले, इनकी कैसे प्राप्त करें, इसकी चर्चा हम लोग इसमें करते हैं। तो फंडामेंटल राइट से संबंधित जितने भी व्यवस्थाएं, जितनी भी सुविधाएं संविधान जनता को देता है, वह सब इन गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, माइनर लोगों को, माइनॉरिटी जिसकी है संख्या कम है, इन लोगों को भी सरकार उपलब्ध कराने के लिए अलग से कई कानून बनाती है, अलग से कई कमेटी बनाती है, इन्वेस्टिगेशन ग्रुप बनाए जाते हैं जो इन क्षेत्रों का सर्वे करता है, इन लोगों के बारे में जांच पड़ताल करता है, कहाँ से किस तरह ये शोषित है, कहाँ से ये दलित है, कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, कैसे इनकी समस्याएं सॉल्व होगी, किस तरह से इनको किस तरह के फंडामेंटल राइट की हो सकता है, कैसे इनको फंडामेंटल राइट दिया जाए, सो मेनी थिंग्स। दैट कमेटी ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, वो कमेटी सर्च करती है, फाइंड आउट करती है, प्रोसीजर तैयार करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, किसको किस तरह के कानून के, किस तरह के सुविधा की हो सकता है। तो इसी तरह से ही तो इन लोगों को फंडामेंटल राइट दिया जा सकता है। सरकार यही करती है, कानून बना के, नियम बना के कि फंडामेंटल राइट और इनके अधिकार, एजुकेशन का अधिकार भी इनको पूर्ण रूप से मिले, या भी एजुकेटेड हो, विकास दे आर आल्सो ए पीपल ऑफ आवर कंट्री। भाई ये भी तो हमारे देश के लोग हैं, ये भी तो हमारे देश की ताकत है। दिस इज दे आर आल्सो एज अ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की जनसंख्या में इनकी भी जनसंख्या शामिल की जाती है। इनको मुख्य रूप से आप एसटी कह सकते हैं, बहुत सारे एससी भी इसमें होते हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं। बात मार्जिनलाइज्ड की है आपके स्टेशन में, उनको किस तरह से सुविधा मुहैया कराया जाता है। तो दे एवरी वन आल्सो इज द पार्ट ऑफ पर्सन टू कंट्री, एवरीबडी श्योर शुड बी इम्पोर्टेंट टू फंडामेंटल राइट, विदाउट फंडामेंटल राइट दे नेवर कैन गेट देयर एम, दे नेवर कैन सक्सेस इन आवर कंट्री। सो स्टूडेंट्स, बाई दिस सिस्टम, बाई गवर्नमेंट सिस्टम, बाई इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, दे श्योर शुड बी गेट ऑल फंडामेंटल राइट। इस तरीके से इन लोगों को सरकार फंडामेंटल राइट उपलब्ध कराने का कार्य करती है। कई तरह की जांच एजेंसियां, कई तरह के धन उपलब्ध कराना, आवश्यकता पड़े तो स्पेशल रिजर्वेशन, रिजर्वेशन स्पेशल रिजर्वेशन, इन सारी व्यवस्थाओं के द्वारा इन लोगों की समस्या को सॉल्व करने का कार्य किया जाता है। आप देखिए लाभ मार्जिनलाइज, हमने आपसे कहा स्पेशल रिजर्वेशन, तो लॉ मीन्स उन लोगों से संबंधित स्पेशल कानून बनाना, कुछ अलग कानून बने, अलग उनको सुविधा मिले, रिजर्वेशन मिले, रिजर्व उनकी सीट हो, तब तो बराबर पहुंच पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स, द प्रोसीजर ऑफ रिजर्वेशन हैज बीन इंक्लूडेड अंडर योर कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए रिजर्वेशन सिस्टम आपके संविधान में, संविधान बनने के पहले उसके प्रोसीडिंग सिस्टम में, संविधान में शामिल कर दिया गया है, जिससे अगर आप लोगों को, उन लोगों को जिसको इसकी आवश्यकता है, रिजर्वेशन मिले, एक्स्ट्रा सुविधा मिले, एक्स्ट्रा कानून का लाभ मिले, तब लोगों के स्ट्रीम में, लोगों की धाराओं में, लोगों की श्रृंखला में एक निश्चित
समान रूप से सफल हो सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे हर किसी की तरह, वो भी देश के साथ कदम से कदम मिला के चल सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस पॉइंट मेनी लिव लॉ इज इम्पोर्टेंट फॉर मार्जिनलाइज्ड पर्सन, जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनके लिए इसीलिए कुछ लिव लॉ की कानून की आवश्यकता है। अगर उनको नए कानून, नया सुविधा, विशेष रिजर्वेशन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो हमारे देश में हमारे देश के समस्त लोगों के साथ मिल बैठ के एजुकेटेड होके देश को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन लोगों के डिमांड पर सरकार ने अपने अनुसार परिस्थिति को जांच के समझ के इन्वेस्टिगेशन कमेटियां तैयार करके उनके डेवलपमेंट के लिए भी कई तरह के कानून और नियम बनाती है। अब देखिए, एक समय था इन लोगों को कई तरह के प्रॉब्लम झेलना पड़ता था, स्कूल नहीं जा पाते थे, जंगलों के अलावा इनके पास मकान नहीं थे। लेकिन अब क्या है, ड्यू टू रिजर्वेशन दे हैव मेनी राइट, दे आर प्रेजेंटिंग अंडर द गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयमेंट आल्सो। इस समय एससी एसटी और गरीब लोगों को भी रिजर्वेशन के माध्यम से बड़ी सरकारी नौकरियों में, बड़े से बड़े कंपटीशन में, ISPCS लेवल के कंपटीशन में, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में शामिल होकर बड़े से बड़े पद पर जाने का अधिकार है, जाने का राइट है। हु हैज बीन गिवन दिस राइट टू मार्जिनलाइज्ड पर्सन, सोशल मार्जिनलाइज्ड पर्सन, दिस राइट हैज बीन गिवन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ व्हिच हैज बीन मेड आवर कम्युनिटी, विच हैज बीन मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, विच हैज बीन मेड टू आवर पार्लियामेंट। आवश्यकता पड़ने पर, समय समय पर हमारा पार्लियामेंट, हमारा संसद, हमारा संविधान कानून को बदलता रहता है, बनाता रहता है, आवश्यकता अनुसार अमेंडमेंट करता रहता है कि इनके लिए आवश्यकताओं की पूर्ति समयानुसार हो सके। सो स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट विच वी विल ट्राई टू डिस्कस इन दिस वीडियो, दैट इज प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। किस तरह से क्या व्यवस्था की जाए इनको सामाजिक न्याय मिल सके, इनको दैट मीन्स हू हैज मार्जिनलाइज्ड, जो सामाजिक रूप में जिसको अवहेलना की गई है, जिसको समाज से दूर कर दिया गया है, जिसको समाज के हर व्यक्ति के ग्रुप में नहीं रखा गया है, जिसको समाज के हर तरह का फायदा नहीं मिल पाता है क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो कमजोर है, गरीब है, गांव में रहते हैं, उनके पास पक्का मकान नहीं है, तो समाज के उन लोगों के बराबर उनको कैसा किया जाए, कैसे उनको समाज के उन लोगों के योग्य, उन लोगों के पैरेलल किया जाए जो लोग मेजोरिटी में हैं, जो लोग मजबूत हैं, जो लोग समृद्धशाली हैं और इन्हें प्रताड़ित करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, इनका सब कुछ छीन लेते हैं। दिस इज नॉट स्टूडेंट्स कंटिन्यू नॉलेज बट प्रीवियस टाइम इट वॉज इन मेनी प्लेसेस, नॉलेज इट्स नॉट प्रेजेंट बिकॉज योर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, मेनी लॉज हैज बीन प्रेजेंट नॉलेज, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ऐसा होता है तो किस तरह से इनको सामाजिक न्याय मिले, समाज में इनको जो अपमान सहना पड़ता है उसके बदले में किससे निवेदन रिक्वेस्ट करें। स्टूडेंट्स, मेनी लॉज, फंडामेंटल राइट एंड एक्स्ट्रा लॉ आल्सो हैज बीन प्रेजेंट फॉर हिज वेरी फेमस लॉ विच यू कैन से एज एससी एसटी एक्ट, दिस आल्सो हैज बीन मेड टू प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। यह सारे कानून इन लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। रिजर्वेशन इन लोगों को हर डिपार्टमेंट में, सरकारी नौकरियों में भी जाने के लिए व्यवस्थित किया गया है। एजुकेशन भी इनको आराम से, आसानी से, कम पैसे में मिल सके, इसलिए व्यवस्था रिजर्वेशन या अन्य किया गया है। इन ऑल डिपार्टमेंट्स हैज बीन स्पेशली रिजर्वेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड पर्सन,
हर जगह इन लोगों को रिजर्वेशन की व्यवस्था कर गई है, सरकारी वैकेंसी में हो, स्कूलों में हो, जिससे अपने देश के हर व्यक्ति समान रूप से डेवलप हो सके, देश का विकास एक निश्चित प्रारूप के अनुसार आगे बढ़ सके, देश के समस्त लोग देश के विकास में अपनी भूमिका को शामिल कर सके। कोई व्यक्ति ये ना हो कि जिस तरह देश स्वतंत्र होने के पहले जो प्रॉब्लम थी, लोगों का शोषण किया जाता था, लोगों का दोहन किया जाता था, बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, बच्चों से भी काम कराया जाता था, फीमेल का रिस्पेक्ट नहीं था, उनको एजुकेशन का अधिकार नहीं था, इस तरह की प्रॉब्लम अब कोई ना फील करे, अब उनको ना लगे कि दवाई हाउस पर गवर्नमेंट इज टेकिंग इट्स फ्रॉम मी, सरकार ये हमसे ले रही है, सरकार के बड़े लोग हमसे इसको कब्जा कर ले रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम उनको ना मालूम चले, ना महसूस हो, इसलिए व्यवस्था सारी उपलब्ध कराई गई है। इसी व्यवस्था के द्वारा इनको सामाजिक न्याय मिलता है और इमरजेंसी लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सरकार हमेशा नई कमेटियों के द्वारा, नई समिति को द्वारा, नई रिजर्वेशन, नए कानून के द्वारा इनको उपलब्ध व्यवस्था और ला और सिस्टम आवश्यकता के लिए जो भी चाहिए उसको व्यवस्था कराया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अंडर दिस वीडियो वी डिस्कस सो मेनी पॉइंट। फर्स्ट हम लोगों ने देखा कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन क्या है, किस तरह से इनको व्यवस्था की जाती है, जो भी फंडामेंटल राइट हमने देखा, लाभ इनके लिए क्या है, मार्जिनलाइज्ड लोगों को सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय को कैसे मिलता है। सो बच्चों, इट इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, इन सेकेंड वीडियो वी विल डिस्कस सम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।